तो मेरा कहने का भाव ये है, सत्संग सेवा बड़ी कठिन है, इसलिए भगवान को खुश करना हो, माता पिता को खुश करना हो तो सेवा करो। किसी की दुआ चाहिए चाहे गरीब हो, सेवा करो। सेवा से मेवा नहीं मिलता है, सेवा से शांति मिलती है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है। सेवा से हमारे अंदर दया आती है, उदारता आती है, अभिमान उतरता है। सेवा में बहुत गुण है साहब। हनुमान जी ने सेवा की, कैसी सेवा की याद करो, आपको कहीं ऐसी जगह नहीं मिलेगा हनुमान का कहीं बोले कि मैंने सेवा की, कहीं नहीं। और सेवा के लिए गुरु की जरूरत पड़ेगी। कोई भी शास्त्र उठाओ, लिखा है गुरु के मार्गदर्शन लिए बिना ये अनुष्ठान नहीं करना होता है। कोई भी गुरु की जरूरत चाहिए जिसने जो किया हो। इसलिए वो छोटा सा बच्चा अपनी माँ को बोलता है कि मेरी नई माँ ने मुझे कहा कि तुम अपने बाप की गोद में नहीं बैठ सकता क्योंकि तूने मुझे मेरे पेट से जन्म नहीं लिया, तो जन्म में जा, तपस्या कर, भगवान को राजी कर। जब भगवान राजी हो तो कहना मुझे सुरुचि माँ के पेट में जन्म हुए, फिर मेरा बेटा बन, फिर तेरे बाप की गोद में बैठेगा। तब उसकी जनेता बोलती है बेटे तेरी माँ ने ठीक कहा, तुमने बहुत पिताओं की गोद देख ली, कई जन्मों में माँ बाप बदल लिए, बेटा तू ये जन्म का तेरा बाप नहीं है, ऐसे हजारों माँ बाप तेरे बदल गए बेटा, ये अंतिम जन्म है। 7 साल के बच्चे को माँ कैसा संस्कार देती है, भागवत पढ़िए साहब। इस माँ ने बेटे को अमर बना दिया, वो आज अमर है ध्रुव। शास्त्र पढ़िए। माँ ने देखा कि मैं कहूंगा तेरी माँ तो ऐसी है, तेरी माँ ऐसी है, तेरी माँ ऐसी है, तेरी नई मान और मान मान, उसकी बातों में नहीं आना, उसके बाद गाली देना, उसका अपमान करना, तो बच्चा उल्टा पड़ेगा। और माँ ने इतने सुंदर संस्कार दिए, गोद में बिठाया और कहा बेटे तुम्हारी नई माँ ने बहुत अच्छा किया, बेटे तुमने हजारों जन्म लिए, हजारों माँ बाप बदल दिए, अगले जन्म भी तेरे माँ बाप थे, उससे पहले भी तेरे माँ बाप है, अभी भी है, आगे भी होगा बेटा, कि जन्मना मरना तो लगा है, बार बार माँ के पेट में ऊंधा लटकना, इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। एक माँ अपने बेटे को संस्कार देती है, इसलिए इस जीव की पहली गुरु माँ है, मातृदेव भव। जो माँ अपने बच्चों को संस्कार नहीं देती और फिर वो बच्चा पाप करता है, वो पाप की भागीदार माँ होती है, बाप बाद में, क्योंकि पहले स्थान माँ का है, मातृदेव भव। हर माता का कर्तव्य है अपने संस्कार को संस्कार देवे, उसको धर्म के बारे में बतावे, पाप के बारे में बतावे, अपने बच्चों को सिखावे बेटा ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, इस तरह बोलना चाहिए इस तरह चाहिए, ये हमारी गाय माता है, ये हमारा मंदिर है, हमारा भगवान है, ये राम है हनुमान है। आजकल की माता तो डिस्को सिखा देती है, बस हो गया मेरा छोकरा डिस्को बोलता है, डिस्को गाता है, इंग्लिश बोलता है, अरे परदेश में जा तेरे बच्चे क्या आका दुनिया में इंग्लिश तो बोलते हैं, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए माँ पहली गुरु है और माँ अपने बेटे को कहती बेटे तुम्हारी नई माँ ने तुम्हारी और मान माँ ने ठीक बताया, तुम वन में जाओ, कोई गुरु बनाओ, गुरु से मंत्र लो, फिर उस मंत्र का जाप करो, भगवान का दर्शन होगा। बेटे जिसको एक बार भगवान मिल जाए फिर दुनिया में कुछ बाकी नहीं रहता है, जब तक उनको भगवान नहीं मिलेगा तब तक बार बार जन्मना मरना, ऐसे दुखी होना है, संसार में किसको सुख है, कौन सुखी हुआ है, कौन कह सकता है। अगर कोई संसारी आदमी करोड़पति हो या रोड़पति हो, कोई कहे मैं सुखी हूं तो झूठ बोल रहा है, इस संसार का नाम ही दुखालय है।
या दुख के सिवाय कुछ। हर व्यक्ति सुख के लिए कर्म करता है, किसको सुख मिलता है? संसार में किसी की इच्छा पूरी नहीं हुई, ना हो सकती है, या कोई सुखी नहीं, ना सुखी नहीं हो सकता। इसलिए माता पिता ही संस्कार देता है संतान को। वो माँ कहती, बेटे तुम्हारी नई माँ ने कहा वो सत्य है। कोई गुरु बनाओ, गुरु के चरण, गुरु बिना भगवान नहीं मिलता। गुरु बनाने के बाद भगवान न मिले तो मानना, या तो गुरु झूठा है या आप झूठे हो। गुरु का मतलब ही यही है, सत्य पर पहुंचा दे, सत्य को दिखा दे, अंधकार को हटा दे। जिसको सच्चे गुरु मिले उसका भरोसा अगर पार हुए, साहब बलि को गुरु मिले, प्रहलाद को गुरु मिले, परिषद को गुरु मिले, भगवान दिखाए। गुरु का मतलब यही है। चलो कलयुग का गुरु भगवान नहीं बतावे, भगवान को मिलने का तो रास्ता दिखावे। झूठी कहानियां सुना के संसार के अंदर हमको वो गुमराह कर रहा है। गुरु कभी कहानियां नहीं सुनाता, वो आत्मज्ञान देता है, शास्त्र का ज्ञान देता है, हमारी अध्यात्म का दर्शन कराता है। हमारे गुरु जी ने हमें कभी कहानियां नहीं सुनाई, इसलिए मैं भी किसी को कहानियां नहीं सुनाता हूं, मैं कथाएं गाता हूं। भगवान की, भगवान की, भक्तों की, संतों की बात करता हूं, फालतू बकवास नहीं। ये लोकवार्ता नहीं है ना साहब। सत्संग माने संत का संग, शास्त्रों का संग, संत माने भगवान। इसलिए माँ कहती है, बेटे कोई गुरु बना। 7 साल का बच्चा बोलता है, माँ गुरु कहाँ मिलेगा, गुरु कैसा होता है, गुरु किसको कहते हैं, गुरु का लक्षण क्या है? और माँ गुरु के लक्षण बताती है, बेटे गुरु ढूंढने से नहीं मिलता है। कोई जबरदस्ती बोले तुम मेरा चेला बन जाओ, उसको काल ने भी राक्षस समझो। कोई तुम्हें कंठी बांधे, मंत्र दे दे और तुम्हें आत्मज्ञान न दे, उसको काल ने भी राक्षस समझो। जो कहते तुम हमारा ही चेला बन जाओ, उसको राक्षस समझो। जो अपने आप को गुरु मानता है या अपने अपने गुरु संबोध करता है, कहीं कथाकार कहते हैं कि फलाना कहता है गुरु जी हम क्या करें, वो कहता है गुरु जी हम क्या। जो अपने आप को गुरु जी संबोध करता है, संबोधित करता है अपने आप को, अपने आप को गुरु कहलाता है, अपने आप को गुरु बोलता है, उसको राक्षस समझो। बेटे ऐसे गुरु नहीं, लायक बनो। गुरु कभी सामने से मंत्र नहीं देता, गुरु कभी सामने से गुरु नहीं बनता, गुरु कभी नहीं बोलता कि मैं गुरु हूं। आजकल लोग व्यास गादी पर बैठे बैठे बोलते हैं। एक भक्त हमको मिला, वो कहते गुरु जी हमारे घर आओ। एक आदमी ऐसा मिला, बोले गुरु जी हमारे घर आओ, वो खुद गुरु बोल रहा है अपने आप को। वो गुरु का लक्षण नहीं है। एक माँ अपने बेटे को बताती, श्रीमद् भागवत पढ़िए आप, चतुर्का स्कंद पढ़िए आप, ध्रुव चरित्र पढ़िए आप। सुखदेव जी ध्रुव की कथा कहते हैं, माँ कहती बेटे कभी भी गुरु नहीं बोलेगा तू मेरा चेला बन जा, कभी गुरु नहीं बोले मैं तुम्हारा गुरु हूं, कभी गुरु अपने आप को गुरु जी संबोधित नहीं करेगा। जैसे आजकल लोग बोलते हैं, उस आदमी ने कहा गुरु जी मैं क्या करूं, वो अपने आप को गुरु जी बोल रहा है, नहीं। और राम सुखदास जी महाराज भी कहते, मैंने 4 दिन पहले बताया था, हरिद्वार स्वर्ग आश्रम में एक बहुत बड़े संत हो गए राम सुखदास जी महाराज। उनने लिखा है, कई किताब मिल जाए गोरखपुर के कल्याण तो उसमें पढ़ना। राम सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो जबरदस्ती चेला बना था उसको काल ने भी राक्षस समझो, अपने आप को गुरु कहता है उसको राक्षस समझो। कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पहला चेला बनो फिर ज्ञान दूंगा, उसको राक्षस समझो। ये मैं नहीं कहता हूं, राम सुखदेव जी महाराज कहते हैं, स्वर्ग आश्रम वाले राम सुखदास जी महाराज, इतना बड़ा संत, उसने कोई निशानी नहीं छोड़ी अपनी, किसी को अपना फोटा नहीं दिया, किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया, किसी को कंठी नहीं बांधी, कभी अपनी पूजा नहीं करवाई,
वो राम सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राम सुखदास जी महाराज, कि जो अपने आप को गुरु कहता है, जो अपने आप को गुरु मानता है, जो गुरु बनना चाहता है, किसी को चेला बनाता है, मंत्र देता है और उसका आत्म कल्याण नहीं करता, तो उसको कालने में राक्षस समझो, ऐसा राम सुखदास जी महाराज कहते हैं। साहब मैं नहीं कहता हूं, मैं तो संतों की वाणी सुना रहा हूं। और आज ध्रुव की मां कहते, बेटे कोई भी गुरु कभी नहीं बोलेगा मैं तुम्हारा गुरु बनना चाहता हूं या मैं गुरु हूं, अपने आप को नहीं कहेगा। सच्चा गुरु वो है जो अपने शिष्य को कहे, बेटे भगवान का भजन करो, अपने आत्मा का कल्याण करो। मेरे गुरुदेव ने उत्तरायण के दिन जब प्राण छोड़ने का टाइम था तो मेरे गुरुजी ने कहा, बेटे मैं तुमको मेरा सेवा करने के लिए साधु नहीं बनाया। मेरे गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि हरिद्वार में रहना, नेपाल में रहना, तो बड़ी बड़ी संस्थाएं मेरे गुरुजी की थी। मेरे गुरु ने एक शब्द किया गंगा किनारे काशी में प्राण छोड़ते टाइम उत्तरायण के दिन, कहा बेटे भगवान का भजन करना, मेरी कोई मूर्ति नहीं बिठाना, मेरा कोई मंदिर नहीं बनाना, मेरी कोई समाधि नहीं बनाना, और तुम अपना कल्याण करना। नेपाल में कोई नहीं था फिर भी नहीं कहा कि तुम नेपाल जाओ, हरिद्वार में कोई नहीं था फिर भी नहीं बोला तुम हरिद्वार में रहो, इतना ही कहा अपने जीवन का कल्याण करना। मानव का जन्म बार बार नहीं मिलता बेटा, मैं तुम्हारा गुरु खाली मार्गदर्शन, सच्चे गुरु तो परमात्मा है। अपने आत्मा का कल्याण करना, बार बार मानव का जन्म नहीं मिलता, ऐसा बोलते बोलते मेरे गुरुजी रो पड़े। काशी में गंगा किनारे उत्तरायण का दिन जब भीष्म ने प्राण छोड़ा था, इसी टाइम मेरे गुरुजी कहते थे, बेटा 25 साल के बाद उत्तरायण के दिन तेरे सामने गंगा किनारे काशी में प्राण छोड़ूंगा। और मुझे दीक्षा दिया 25 साल के बाद, मुझे बुलाया काशी और कहा, बेटे कल उत्तरायण है, कल मैं प्राण छोड़ूंगा। और जो उत्तरायण के दिन प्राण छोड़ता है वो जगत में फिर जन्मता नहीं, फिर नहीं आता। उसी दिन मेरे गुरुजी ने हजारों संतों के बीच में मुझे मंत्र दिया, अंतिम समय प्राण सोते टाइम इस मंत्र का जाप करना, कहीं मेरी मूर्ति नहीं बनाना, मेरा मंदिर नहीं बनाना, अपने आत्मा का कल्याण करना। मानव का जन्म बार बार नहीं मिलता है। धन्य तुम्हारे माँ बाप कि तुम साधु बना है, तुम्हारे कुल का उद्धार होगा, तुम्हारे माँ बाप का कल्याण होगा। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया उस माँ की देव उतारते उतारते होंगे। बेटे साधु बनना बहुत कठिन है, सच्चा साधु बनना, भगवा पहन के मांगना खाना वो आसान है, ये मांगने खाने के लिए नहीं मिला है, ये ठगने लूटने के लिए नहीं मिला, ये चमत्कार करने के लिए नहीं मिला, ये ढोंग और पाखंड करने के लिए नहीं मिला। मेरे गुरु जी कहते, बेटे अपने जीवन का उद्धार करो, ईश्वर ने तुम्हें मौका दिया है कि तेरे माता पिता आगे पीछे कोई नहीं, तुम्हें कहने वाला कोई नहीं, तुम्हें मेरा डर था, अब मैं भी जा रहा हूं। बेटे तुम अपने आत्मा कल्याण करना, ऐसा बोलते बोलते रो पड़े। आज भी मुझे याद है, ऐसे गुरु मैंने कहीं नहीं देखे। मेरे अखाड़े के अंदर करोड़ों साधु मैंने देखे, पर मैंने मेरे गुरु जैसा नहीं देखा। मैं अखाड़े में रात दिन घूमता हूं, पर मैंने मेरे गुरु जैसा कोई नहीं देखा। काकभूषणी कहते हैं, गरुड़ जी मैंने करोड़ों जन्म लिए, मैं अपने गुरु को नहीं भूला, ऐसा गुरु मैंने नहीं देखा। और मैं भी अपने जीवन का अनुभव परमात्मा की साक्षी में कहता हूं, हनुमान जी की साक्षी में कहता हूं, मैंने मेरे गुरु जैसा कोई देखा। कभी सेवा नहीं कराई, कभी दक्षिणा नहीं मांगी। मेरा दुर्भाग्य के एक भगत ने मेरे गुरुजी की मूर्ति बनाई, मैंने नहीं। अब मूर्ति बनाई तो फेंक तो नहीं सकते, इसलिए सूरत में बिठाई, फिर वो बाहर खड़ी कर दी उसने। इसलिए मैंने बोला मेरे गुरुजी भगवान से बड़ा गुरु होता है, और भगवान मंदिर में और गुरु बाहर में, तो फिर मैंने हॉल में दूसरी मूर्ति बिठाई है अलग, और मैंने अपने गुरुजी के नाम का महादेव बिठाया, कोटेश्वर महादेव। मेरे गुरुजी ने कहा था मेरा मंदिर नहीं बनाना, मेरी मूर्ति नहीं,
तो मैं अपने गुरु के नाम से भगवान शिव को बिठाया। शिव त्रिभुवन गुरु है, भगवान कृष्ण जगत गुरु है, भगवान राम सबके गुरु है, पर भगवान भोलेनाथ त्रिभुवन, तुम त्रिभुवन गुरु विदित विख्याता, ओ तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना, पामर जीव क्या ये जाना। पार्वती माँ कहती है तुम त्रिभुवन के गुरु, वेद तुम्हारी महिमा गाते, ये पामर जीव, ये पापी जीव तुम्हें क्या जान सकता है, ये पार्वती माँ बोली है। भोलेनाथ त्रिभुवन के गुरु है, सारे विश्व के गुरु है, सब देवता के गुरु। वंदे देव महापति सुर गुरु, सुर माने देवता के गुरु है। वंदे देव महापति सुर गुरु, वंदे जगत कारणम, जगत के कारण है। कई संप्रदाय वाले कहते हमारे भगवान ने विश्व बनाया, हमारे भगवान पहले थे, झूठ बोल रहे हैं। वो अपने भगवान का अपमान कर रहे हैं। जगत का कारण तो महादेव है साहब, मूर्तियां तो अभी आए, राम के मंदिर, कृष्ण भगवान के मंदिर तो अभी बने, शिव मंदिर तो युगों से चला है, करोड़ों अजबों साल पहले। ऐसा कोई देश, ऐसा कोई गांव नहीं जहां शिवालय ना हो। राम ने अपना मंदिर कभी नहीं बनाया, कृष्ण ने अपना मंदिर कभी नहीं बनाया, आपने बनाया, मगर राम ने शिव मंदिर बनाया रामेश्वर, भगवान कृष्ण ने नागेश्वर मंदिर बनाया, भगवान पृथु ने भूमेश्वर मंदिर बनाया, देवताओं ने शिव का मंदिर बनाया। वो शिव आदि अनादि स्वयंभू है, भगवान भोलेनाथ जैसा कोई देव नहीं साहब, ऐसा दया का सागर है, करुणा निधान है। और उनके भगत भी ऐसे ही होते, त्यागी होते हैं साहब, भोले बाबा त्यागी है, त्यागना बड़ा कठिन है साहब। भोग तो कुत्ते भी करते हैं, पर त्याग वो तो संत लोग कर सकते हैं, महापुरुष कर सकते हैं, भोग तो पशु पक्षी भी करते हैं। इसलिए पार्वती माँ कहती है तुम त्रिभुवन गुरु वेद व खाना, पामर जीव क्या जाना। ये पामर जीव जो संसार में फंसा है, संसार के सुखों को भोगता है, उसको क्या पता तुम कौन हो, तुम क्या हो। पार्वती माँ कहती है तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना, आखिर पामर जीव क्या जाना। आप त्रिभुवन के गुरु हो महादेव, हे मेरे पति मेरे स्वामी, हे विश्वनाथ, भगवान शंकर ही विश्व का नाथ हो सकता है, किसी भी दूसरे भगवान को तुम नाथ नहीं, विश्वनाथ नहीं कह सकते। भगवान शिव ही जहर पी सकते हैं, इसलिए वो महादेव है, इसलिए वो लीलकंठ कहलाते, और कोई जहर नहीं पी सकता। जो जहर पीवे ओ महादेव, जो जहर पीवे ओ लीलकंठ, क्योंकि जहर का कंठ लीला हो जाता है, नीला। जिसका गला नीला हो, जिसने जहर पिया हो, उसको लीलकंठ महादेव कहते हैं, आदि विश्वनाथ कहते हैं, स्वयंभू कहते हैं, और ईश्वर कहते हैं। आप राम को ईश्वर नहीं कह सकते हो, राम को भगवान कहो, क्योंकि भगवान राम मेरे विष्णु है, मेरा नारायण है, मेरा हरि है, मेरे इष्ट देव का बहुत प्यारा है। क्योंकि हम लोग हरि और हर में भेद नहीं मानते, हम शिव के उपासक है, फिर बोलते क्या है, ओम नमो नारायण जय श्याम, क्योंकि हमारे लिए हरि और हरि एक है। तुम राम को भगवान कह सकते हो, ईश्वर नहीं। तुम भगवान कृष्ण को भगवान कह सकते हो, ईश्वर नहीं। शंकर ईश्वर है, देखो रामेश्वर, नागेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, दुष्मेश्वर, भीमेश्वर, त्रंबकेश्वर, केदारेश्वर, जगेश्वर, स्वयंभेश्वर, वो ईश्वर है। इसलिए ईश्वर है रामेश्वर, ईश्वर महादेव, ईश्वर उसको कहते हैं जिसका जन्म मरण न हो। शिव जी का जन्म भी नहीं, मरण भी नहीं, ईश्वर उसको कहते हैं जिसका माँ बाप न हो। शंकर का कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, दया के सागर है, इसलिए ईश्वर है। सर्व से त्याग है, योगी है, ब्रह्मचारी है, दो बाप दो बेटे का बाप है। गणपति माँ पार्वती के पेट से जन्मा नहीं, फिर भी शंकर का पुत्र है।
कार तो स्वामी पार्वती माँ के पेट से जन्मे नहीं, फिर भी भगवान शिव का पुत्र है, इसको बोलते ब्रह्मचारी। भगवान शंकर ब्रह्मचारी है, योगी है, दो पुत्र के पिता होते भी ब्रह्मचारी, और माँ पार्वती सदा कुंवारी है, वो तो गौरी है, बाला है साहब, इसलिए इसको हम ब्रह्मचारिणी कहते हैं। इसलिए गुरु ये ज्ञान देता है, उसको गुरु कहते हैं, प्रकाश तरफ ले जाता है। वो कहानियां नहीं सुनाता, वो बहन भाई जी कथा नहीं कहता, ईश्वर की बातें करता है, आत्मा की बातें करता है, ब्रह्म की बातें करता है, ईश्वर को मिलने का रास्ता बताता है, उसको गुरु कहते। बेटे जाओ, एक माँ 7 साल के बेटे को, संध्या का काल, रात्रि होने वाली है, उस टाइम तो भयंकर जंगल में हिंसक जीव कितने थे, और एक माँ कितना पत्थर दिल करके अपने बच्चे को बोलती, जाओ कोई गुरु बना लेना, कोई संत मिल जाए भगवा वस्त्र में, जिसके मुंह से रात दिन राम राम निकलता हो, ऐसे महापुरुष को गुरु मानना, और वो गुरु मंत्र दे, उसका जाप करना, बेटे भगवान मिलेगा, पहला आशीर्वाद माँ का। और 7 साल का बेटा माँ के पैर में पड़ता है, 7 साल का बेटा माँ की परिक्रमा करता है। कभी आपके बच्चों ने की? आपने अपने माँ बाप की कि नहीं, तो आपके बच्चे कहां से करेंगे, पहले आप करो फिर बच्चों को सिखाओ। वो ध्रुव अपनी माँ की परिक्रमा करता है, पैरों में पड़ता है, माँ आशीर्वाद देती, बेटा तुम्हारी यात्रा मंगल हो, एक सच्चा गुरु तुम्हें मिले, और गुरु का मंत्र द्वारा तुम्हें भगवान मिले, ये मेरा आशीर्वाद है। और ध्रुव जाता है, 7 साल का बेटा, आप भागवत पढ़िए साहब, घर से निकल गया, गांव से निकल गया, जंगल में प्रवेश किया, रात्रि के जीव अलग थे, रात्रि में मांसाहारी जीव जागते हैं, अपना शिकार ढूंढते हैं, शियार, लोमड़ी, शेर, चीता, दीपड़ा, रेज, बालू, जितने भी मांसाहारी जीव है वो रात में निकलते हैं, भयंकर आवाज करते हैं, एक दूसरे को बुलाते हैं, इनमें कितना प्रेम है देखो। जंगली कुत्ते, आप डिस्कवरी देखो, जंगली कुत्ते जब शिकार करना चाहते तो अपनी आवाज में सबको बुलाते हैं, सब मिल के निकलते हैं, चाहे शेर हो, चीता हो, दीपड़ा हो, कुत्ता हो, जंगल में रहने वाले सब मिल के जाते हैं। भयंकर आवाज आ रही है और ध्रुव निकला है, सामने से एक संत आ रहा, देखो माँ का आशीर्वाद, सामने से एक महापुरुष आ रहा, हाथ में वीणा है, एक हाथ में खड़काल है, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, ओ तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, ओ सत्य नारायण नारायण हरि हरि, ओ सतगुरु नारायण नारायण हरि हरि, गुरुदेव नारायण नारायण हरि हरि। सामने से नारद जी आए, कैसा गुरु देख लो, ये ढूंढने नहीं निकला, माँ का आशीर्वाद संस्कार गुरु मिला। नारद जी ने हाथ रखा माते, 7 साल के बच्चे ने प्रणाम किया, नारद कहता बेटा ये संस्कार तुमको किसने दिया? बच्चा बोलते मेरी माँ ने कहा, बेटे कोई संत मिले तो प्रणाम करना। नारद बड़े खुश हुए, भगवान और संत प्रणाम से खुश होते हैं, भगवान सूर्य गौ माता और धरती प्रणाम से खुश होती है, प्रणाम करो, प्रणाम करो इस धरती को जिसने हमको जन्म दिया, यहाँ राम भी आए मनुष्य बनकर, यहाँ कृष्ण भी आए मनुष्य बनकर, जब जब धरती पे पाप बढ़ा तो प्रभु ने यहाँ अवतार लिया, प्रणाम करो इस धरती को
जिसने हमको जन्म दिया। सुबह उठ के धरती को प्रणाम करो, सूर्य नारायण को प्रणाम करो, अपने गुरुदेव को प्रणाम करो, अपने माता पिता को प्रणाम करो। प्रणाम में बड़ी ताकत, दो हाथ जोड़ के प्रणाम इसको बोलते हैं, इसको प्रणाम कहते हैं। सो जाना उसको दंडवत कहते हैं, बोलना उसको नमस्कार कहते हैं। ध्रुव ने प्रणाम किया, नारद जी ने माथे हाथ धो दिया, बेटे कहाँ जा रहे हो, अंधेरा होने वाला है, ये भयंकर हिंसक पशु बोल रहे हैं, खा जाएंगे, मार डालेंगे, चलो मेरे साथ घर। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा, क्यों, मुझे भगवान का दर्शन करना है। किसने कहा, मेरी माँ ने। नारद जी की आंखों में आंसू धार बह गई, अगले जन्म में मेरी भी तो माँ थी, पर मेरी माँ ने कभी मुझे घर से बाहर निकलने नहीं दिया। एक संत लोग मुझे लेने के लिए आए, मेरी माँ ने जाने नहीं दिया। और ये कैसी माँ होगी कि माँ बेटे को बोलती, जाओ तपस्या करो, वन में जाओ। नारद जी बड़े खुश हुए, बेटे तुम छोटे हो, जंगल में भयंकर हिंसक जीव है, मार डाले, ये खा डाले, चलो मेरे साथ। तुम्हारे माँ बाप ने कुछ कहा है, तुम घर से भाग के आए हो, कहीं भी ना जा रहे हो, किसी ने कुछ बोला है, मेरे साथ चलो, मैं समझाऊंगा। ध्रुव ने कहा, मैं समझ गया, मेरी माँ ने समझा दिया, अब मुझे समझने की जरूरत, आप मेरे गुरु बनो, आशीर्वाद दो, तब तक मैं भगवान का दर्शन नहीं करूंगा, घर नहीं जाऊंगा, बैठा हूं तेरे घर पे, कुछ करके जाऊंगा, या तेरा दर्शन करके या मर के जाऊंगा। नारद जी बड़े खुश हुए, माथे हाथ रख, धन्य तेरी माँ को, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया। इसी को माँ कहते हैं, जो अपने बच्चों को ये संस्कार दे, बेटे भगवान मिलेगा। कान में मंत्र दिया और कहा, बेटे जाओ, जो मैंने मंत्र दिया है वो मंत्र तुम्हें 5 महीने में सिद्ध होगा। बेटे सच्चा गुरु तो परमात्मा है, तुमने मुझे गुरु माना, मेरा धर्म है तुम्हें भगवान तरफ ले जाना, मेरा धर्म है भगवान को मिलने का रास्ता बताना, गुरु का धर्म है ईश्वर को बुलाने का संबंध। गुरु उसको कहते जो ईश्वर को मिलने का रास्ता दिखावे, वो गुरु कहते हैं। खाली गुरु बन जाए, मंत्र दे दे, दक्षिणा दे दे, बस हो गया, आ चेला हरखा, तुम दोनों हरखा, ए नहीं, ऐसे गुरु को नरक में जाना पड़ता है। नारद कहता है, बेटे जो गुरु भगवान का दर्शन नहीं कराता है और अपने आप को गुरु मानता है वो नरक में जाता है, इसलिए मुझे नरक में नहीं जाना, मैं खाली निमित मात्र तेरा गुरु हूं, सच्चा गुरु भगवान है, और गुरु वो होता है जो हमको भगवान तरफ ले जाए, इसलिए बेटे जाओ, तुम्हारी यात्रा मंगल हो, भोजन करो। नारद जी ने नहीं कहा चल मेरे साथ, मेरे पैर दबाने के लिए, मेरे आश्रम में चंदा देने के लिए नहीं बोला, जाओ। नारद इधर आए, ध्रुव इधर गया, छोटा सा बालक जंगल में जा रहा है, नारद जी की आंखों में आंसू, अरे रे ये छोटा सा, ये कैसी माँ होगी, ये छोटे से बल बच्चे को ऐसा ज्ञान दिया। और यमुना नदी के किनारे गए, मधुवन में गए, गंगा जी में स्नान किया और वहाँ एक झाड़ के नीचे बैठे आंख बंद कर, पर गंगा जी की आवाज़ आती, खड़ 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 खड़, ध्रुव खड़े हो गए, जाने लगे तो गंगा जी में से आवाज़ आई, बेटा कहाँ जा रहा है। ध्रुव ने कहा, माँ मैं जो मंत्र बोलता हूँ ना, तुम्हारी आवाज़ आती है ना तो भूल जाता हूँ, इसलिए मैं दूर जाऊँगा, बस तुम्हारी आवाज़ नहीं आएगी। और उस बड़ा भयंकर वेग चलता था, गंगा जी ने कहा, बेटे अब मैं आवाज़ नहीं कर जाऊँगा, तो कहीं नहीं जा रहा, यहाँ बैठ के भजन कर मेरे किनारे पे। आज भी उस नाव ऋषिकेश से आगे, उस जहाँ ध्रुव जी ने तपस्या की, उस तपस्या का नाम है ध्रुव चट्टी, या ध्रुव जी ने तपस्या किया है, गंगा जोर से गिरती है, भयंकर आवाज आती है, बड़े बड़े घबरा जावे, पर ध्रुव को कहा गंगा ने, मैं आवाज नहीं करूंगा, मां शांत हो जाती है, आगे जाओ तो इतनी भयंकर आवाज, इधर जाओ तो भयंकर आवाज, पर जहां ध्रुव जी ने तपस्या किया है, 10 मीटर इधर, 10 मीटर इधर, शांत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5 महीने तक लगातार जप किया और भगवान वैकुंठ से आने खड़े हो गए। लक्ष्मी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, बोले सारी दुनिया मेरा दर्शन करने के लिए तरसती है और आज एक छोटा सा बालक मेरा भजन कर रहा है। भयंकर जंगल में गंगा किनारे 5 महीने से एक 7 साल का बच्चा खाए पिए बिना मुझे पुकार रहा है, मुझे उसका दर्शन करने जाना। लक्ष्मी बोलते मैं भी चलूंगी और लक्ष्मी नारायण प्रकट होते हैं। ध्रुव जी को हिलाते बने हिलते नहीं, क्योंकि गुरु ने मंत्र दिया था और मंत्र के साथ साथ ध्यान बताया था। कोई खाली खाली ध्यान करेगा तो नहीं लगेगा, खाली खाली मंत्र बोलेगा तो नहीं होगा। मंत्र और ध्यान साथ में, जिस देव को मानते उस देव का मंत्र बोलो और उनका ध्यान करो। राम को मानते तो राम का ध्यान करो, राम का मंत्र बोलो। कृष्ण को मानते तो कृष्ण का ध्यान करो, कृष्ण का मंत्र बोलो। माता जी को मानते हो तो इनका मंत्र बोलो, ध्यान करो। जिस देव का मंत्र बोलो उसका ध्यान करो, जिस देव का ध्यान करो उसका जाप करो, उसके नाम का जाप करो। सबसे बड़ा मंत्र है राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, हनुमान जी नाम, माता जी का नाम। कुछ ना आवे तो उसके नाम का स्मरण करो। और ध्रुव ने भगवान के नाम को पुकारा और गुरु वो है जो सरल मंत्र देता है भगवान को मिलने का। नारद ने वाल्मीकि ऋषि को राम राम बोलो इतना ही बोला, कोई मंत्र नहीं दिया, पर वो मरा मरा करते रहे तो भी एक महान ऋषि बन गए। भगवान प्रकट हुए और ध्रुव के अंदर जो ध्यान था भगवान का, चतुर्भुज का, वो ध्यान खींच लिया और जब आँख खोल के देखा तो जो हृदय में थे वो बाहर देखा। भगवान के चरण में लाकड़ी पड़े पड़ गया, भगवान ने उठा गोद में बिठाया। माँ याद आई, माँ ने कहा था बेटे भगवान का दर्शन होगा, भगवान की गोद में बैठेगा फिर तुम्हें कोई नहीं उठाएगा। माँ याद आई, भगवान ने अपनी गोद में बिठाया, ध्रुव के मस्त पे हाथ डाला, बेटे मांगो क्या चाहिए। ध्रुव ने कुछ नहीं मांगा, कुछ मांगो, ये जब तक हमने भगवान को नहीं देखा तब तक हम मांगते, जब एक बार भगवान को देख लोगे फिर कभी नहीं मांगोगे। परमात्मा ऐसा है, जिसने भी भगवान का दर्शन किया फिर उसने कभी भगवान से नहीं मांगा, संसार से नहीं मांगा, चुप हो गया, पागल हो गया, मस्त हो गया। ध्रुव कुछ मांगो, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तुम्हारी जैसी माँ मिले, जो माँ तुम्हें मिली वो धन्य। माँ उसको कहते हैं जो अपने बच्चे को भगवान तरफ, धर्म तरफ ले जाए, वो माँ है। और जो माँ अपने बच्चों को संस्कार न दे उसको डाकन कहते हैं, उस माँ को चुड़ैल कहते हैं, डाकन कहते हैं। रामायण पढ़िए, लक्ष्मण की माँ बोलती है, पुत्रवती जुगती सोई जाके सूत रघुपति भक्त होई, नहीं तो वाजनी भर भलो माता जाके सुत न होई रघुनाथ ही गाता। लक्ष्मण की माँ बोलती है, रामायण पढ़ो भाई, वही माँ पुत्रवती है जिसका बेटा भगवान का भक्त हो, देश भक्त हो, गौ भक्त हो, गुरु भक्त हो, धार्मिक हो, धर्म को जानता हो, धर्म को मानता हो, उसको बेटा कहाँ है, उसको पुत्र कहता है। अगर जो धार्मिक न हो, देश भक्त न हो, गुरु भक्त न हो, गौ भक्त न हो, मातृ पितृ भक्त न हो, भगवान के भक्त न हो, वो बेटा होते हुए भी माता वांगणी है, वो डाकन है, वो चुड़ैल है। माँ तो उसको कहते हैं जो अपने बच्चे को धर्म की तरह ले जाए, इसलिए ध्रुव को भगवान विष्णु कहते हैं। धन्य तुम्हारे गुरु को जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया, धन्य तुम्हारी माँ को जिसने तुम्हें धर्म का ज्ञान दिया। आज से तुम अमर बनेगा, वो अमर बन गया, आज भी अमर है,
बुरा नहीं लगाना। और अब मेरी इच्छा है 37,000 वर्ष तुम राज करो, जब मौत तुम्हारे पास आएगी तो मौत के मस्तक पर पैर रख के मेरे पास आओगे। सबको मृत्यु मारती है तो मृत्यु को मारोगे। और 37,000 साल तक ध्रुव ने राज किया, जब मृत्यु आई तो मृत्यु के मस्तक पर पैर रखे भगवान के विमान में चढ़े। जब विमान जा रहा था तो ध्रुव की आंख में आंसू आ गया। भगवान के पार्षद ने पूछा, ध्रुव जी तुम कहाँ हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें पता है तुम भगवान के दरबार में जा रहे हो, जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जा सकते, बड़े बड़े तपस्वी नहीं जाते, बड़े बड़े ज्ञानी नहीं जा सकते, वहाँ धनवान नहीं जा सकते, किस बात का दुख है। ध्रुव कहता है, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, जिस माँ ने मुझे ईश्वर का दर्शन कराया, और मेरी माँ को मैं छोड़ के जा रहा हूँ। पार्षदों ने कहा, जैसी तुम्हारे जैसे बच्चे की माँ हो, भला वो कैसे नीचे रह सकती, देखो वो तुम्हारे आगे जा रही है, आगे के विमान में तुम्हारी माँ जा रही है। बड़े ध्रुव प्रसन्न हो गए, और आज भी ध्रुव अमर हैं। तो इसको बोलते हैं सेवा, उसको बोलते हैं भक्ति, उसको कहते हैं गुरु भक्ति। इसको पता है गुरु कैसा होना चाहिए। तो मेरे भाई बहनों, ऐसे संत, ऐसे साधु, ऐसा कोई गुरु मिले तो उसे परमात्मा को मिलने का, भगवान की भक्ति का शांति कैसे मिले, ज्ञान कैसे आवे, जीवन में शांति कैसे आवे, ये माया से कैसे छूटे। बाबा बनने की जरूरत नहीं है, अपनी आत्मा की पहचान करो तुम कौन। पहले अपने आप को जानो, बाद में भगवान को जानना। पहले गुरु अपनी आत्मा को पहचान करावे, फिर परमात्मा से मिलावे, इसको गुरु कहते हैं। तो सच्चा सेवक, चाहे माता पिता की सेवा करता हो, गौ माता की सेवा करता हो, भगवान की सेवा करता हो, देश की सेवा करता हो, उसको सच्चा सेवक कहते हैं। तो सेवा में कितनी ताकत है ये आपने सुना। तो आज की कथा यहाँ विराम लेती है, आगे कथा हम कल कहेंगे। बोलिए जलाराम बाबा नी जय, वीर भाई माता नी जय, सदगुरुदेव की जय, रामचंद्र भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, बोलो भाई सब संतों की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, ओम नमः पार्वती पति हर 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 महादेव हर।